बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का मामला अब तक सुलझा रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मगर अभी तक उनके इस्तीफे पर किसी तरह का कोई भी फैसला लिया नहीं गया है। दूसरी ओर कहा ये जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को लेकर अब आलाकमान ही फैसला करेंगे, जिसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा भी इंतजार कर रहे हैं। मगर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कहा जा रहा है कि अब उन्हें शायद कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, और इसके बाद उनके समर्थकों को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें प्रदेश की राजनीति से ही दूर कर दिया जाए। और इसी वजह से किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर गुहार लगा रहे हैं। वहीं अब किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को नामंजूर करने की मांग को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश घोषी ने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर भेजा है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि राजस्थान और दौसा को उनकी जरूरत है और इसीलिए उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया जाए। सुरेश घोषी ने अपने इस पत्र में लिखा है कि प्रदेश के जुझारू नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गरीबों, पीड़ितों, युवाओं और महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ हमेशा मुखर आंदोलन करते हैं। विगत 5 साल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार व कुशासन के खिलाफ सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना उन्होंने सड़कों पर आंदोलन किए। उन्होंने जनता से किया अपना वचन निभाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा तो दिया, और ऐसे नेता की राजस्थान को जरूरत है और दौसा के लोगों को भी ऐसे विकास पुरुष की हमेशा आवश्यकता होगी, इसीलिए उनका इस्तीफा नामंजूर किया जाए। इसके अलावा दौसा नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके घोषी ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जनता के सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। उन्होंने कई बार बड़े आंदोलनों से कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ आवाज भी उठाई है। डॉक्टर मीणा ने पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल समस्या का मुद्दा लंबे समय से वो उठा रहे हैं। दौसा में सीवर लाइन, जयपुर बाईपास पर अंडरपास, नीलकंठ मंदिर के लिए रोपवे सहित विकास कार्यों के लिए उनका राज्य सरकार में मान सम्मान और मंत्री पद पर बने रहना बेहद जरूरी है, और इसीलिए पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश घोषी ने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिख कर के उनका इस्तीफा नामंजूर करने की मांग उठाई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले दिनों मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार उनका इस्तीफा वापसी की मांग उठ रही है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा खुद ये कह चुके हैं कि अब वो अपना इस्तीफा वापस किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।